हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और तरह के साइबर क्राइम की बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ तो हम लोग पिछले दो वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज कुछ और जो टाइप ऑफ साइबर क्राइम है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्पैमिंग की। तो देखिए, स्पैमिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या होता है कि सेंडिंग ऑफ अनसॉलिसिटेड एंड कॉमर्शियल बल्क मैसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज स्पैमिंग। मतलब कि अनसॉलिसिटेड एंड कॉमर्शियल बल्क मैसेज जो इंटरनेट के थ्रू आप भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग। एन ईमेल कैन बी क्लासिफाइड एज स्पैम इफ इट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कोई भी ईमेल जो है उसको आप स्पैम में डाल सकते हैं अगर उस वो ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करता है। पहला क्या है कि मास मेलिंग, द ईमेल इज नॉट टारगेटेड टू वन पर्टिकुलर पर्सन बट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। तो मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को इकट्ठे मेल कर दी गई है, तो दैट इज कॉल्ड मास मेलिंग। अगर मास मेलिंग है तो भी आप उसको स्पैम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेकेंड क्या है, एनोनिमिटी, मतलब जिस पर्सन ने भेजा है द रियल आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन नॉट नोन। ठीक है, तो अगर मास मेलिंग है एनोनिमिटी है। और तीसरा क्या है, अनसॉलिसिटेड, द ईमेल इज नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर रिक्वेस्टेड फॉर द रेसिपियंट। अनसॉलिसिटेड मतलब कि उस ईमेल की ना तो रेसिपियंट को ना उसने रिक्वेस्ट किया था ना उसको एक्सपेक्टेशन थी इस तरह के मेल की। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया मान लीजिए, मैं इन तीनों क्राइटेरिया में कोई मेल आती है, मास मेलिंग हो गया, एनोनिमिटी हो गई और अनसॉलिसिटेड हो गया, तो फिर आप उस ईमेल को आप स्पैम में डाल सकते हैं। ठीक, दीज स्पैम्स नॉट ओनली इरिटेट द रेसिपियंट्स एंड ओवरलोड द नेटवर्क बट ऑल्सो वेस्ट द टाइम एंड ऑक्यूपाई द वेलेबल मेमोरी स्पेस ऑफ द मेल बॉक्स। तो ये हो गया स्पैमिंग, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि इट इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ए मैलिशियस क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट इनटू ए ट्रस्टेड वेबसाइट। एज सुन एज द ब्राउजर एग्जीक्यूट्स द मेलिशियस स्क्रिप्ट, द मेलिशियस स्क्रिप्ट गेट्स एक्सेस टू द कुकीज एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू रिमोट सर्वर। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या करते हैं कि मेलिशियस कोड को हम क्लाइंट साइड में इंजेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है तो जो मेलिशियस कोड है वो सारी एक्सेस पा लेता है कुकीज की और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, और उसको अपना जहाँ भेजना रहता है रिमोट सर्वर पे वहाँ भेज देता है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू गेन फाइनेंशियल बेनिफिट और फिजिकल एक्सेस टू ए सिस्टम फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। उसके बाद जो आप आजकल एवरी नाउ एंड देन देखते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड। ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड क्या होता है कि इसमें देर आर मेनी जेन्युइन वेबसाइट्स हु ऑफर्स ऑनलाइन ऑक्शन ओवर इंटरनेट। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दियर रेपुटेशन ऑफ दीज वेबसाइट, सम ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स ल्यूर द कस्टमर्स टू ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड स्कीम्स विच ऑफन लीड टू आइदर ओवर पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और द आइटम इज नेवर डिलीवर्ड वंस द पेमेंट इज मेड। चूंकि देखिए, कई जो रेपुटेड वेबसाइट्स हैं वो भी ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के, उन अच्छी वेबसाइट्स की रेपुटेशन का फ़ायदा उठा के कई जो साइबर क्रिमिनल है वो कस्टमर को धोखे में रख के ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड स्कीम लॉन्च करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो या तो अपने ओरिजिनल कॉस्ट से बहुत ज़्यादा में मिलता है, और या तो पैसा लेने के बाद वो कभी डिलीवर ही नहीं किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है साइबर स्क्वैटिंग। नेक्स्ट इज साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग में क्या होता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ रिजर्विंग द डोमेन नेम्स ऑफ समवन एल्स ट्रेडमार्क विद इंटेंट टू सेल इट आफ्टरवर्ड्स
टू द ऑर्गेनाइजेशन हु इज द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क एट हायर प्राइस। तो ये होता है साइबर स्क्वैटिंग। इसमें क्या करते हैं कि किसी और का जो डोमेन नेम है वो रिजर्व करा लेते हैं पहले से, ठीक है, किसी और समवन एल्स के ट्रेडमार्क को, और फिर उसको जो ओरिजिनल जो ओनर है उस ट्रेडमार्क का या जो कंपनी है ओरिजिनल कंपनी है उस ट्रेडमार्क की, उसको फिर वो हायर प्राइसेस में बेचते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स, लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं कि ये भी मैलिशियस कोड है, दे आर इंसर्टेड इनटू लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये मैलिशियस कोड जो है ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में इंसर्ट किए जाते हैं, एंड द मैलिशियस एक्शन इज ट्रिगर्ड बाय सम स्पेसिफिक कंडीशन। इफ द कंडीशन होल्ड्स ट्रू इन फ्यूचर द मैलिशियस एक्शन बिगेंस, एंड बेस्ड ऑन द एक्शन डिफाइंड इन द मैलिशियस कोड दे आइदर डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सिस्टम और मेक सिस्टम अनयूजेबल। तो ये लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं, ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में इंसर्ट किए जाते हैं और ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन पे ही एक्टिव होते हैं, और जैसे ही एक्टिव होते हैं ये या तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और या तो सिस्टम को ही अनयूजेबल कर देते हैं, ठीक। तो दे आर कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब। उसके बाद नेक्स्ट जो साइबर क्राइम होता है दैट इज वेब जैकिंग, दैट इज कॉल्ड वेब जैकिंग। इसमें क्या होता है कि द हैकर गेन एक्सेस टू ए वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आइदर ब्लॉक इट और मॉडिफाई इट टू सर्व पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सोशल इंटरेस्ट। मतलब हैकर क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, या इसको ब्लॉक कर देते हैं या इसको मॉडिफाई कर देते हैं और ओपन टू ऑल कर देते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सोशल इंटरेस्ट के लिए। The recent example of webjacking are some of the website of the educational institutions and they were hacked by a particular country's hacker, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे लेना सही नहीं होगा, एक particular country के hacker द्वारा hack कर लिया गया educational websites को, and an animation which contains the flag of that country were flashed in the home page of these websites, ठीक है। ऐसे ही एक और example हुई थी कि another example is कि हमारे कंट्री के हैकर्स ने हैक कर लिया था वेबसाइट को किसी दूसरी कंट्री के रेलवेज को एंड फ्लैश कर दिया था अपना इंडियन फ्लैग ऑन दियर होम फेयर फॉर सेवरल आवर्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन ईयर 2014। तो इस तरह के जो कार एक्टिविटी होती है दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वेब जैकिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका साइबर क्राइम वो होता है इंटरनेट टाइम थेफ्ट्स। इंटरनेट टाइम थेफ्ट्स, इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है कि हैकिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका यूजर नेम और पासवर्ड हैक कर लेते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सर्फिंग द इंटरनेट एट हिज कॉस्ट इज इंटरनेट टाइम थेफ्ट। मतलब किसी दूसरे के कनेक्शन का जो इंटरनेट कनेक्शन लोग लेते हैं उसका आपको आपने यूजर नेम और पासवर्ड हैक कर लिया और उसके कनेक्शन को उसके इंटरनेट के डाटा को आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट टाइम थेफ्ट, दैट इज ऑल्सो साइबर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि इट इज ए साइबर अटैक इन विच द नेटवर्क इज चोक्ड एंड ऑफन कोलैप्स्ड बाय फ्लडिंग इट विद यूजलेस ट्रैफिक एंड दस प्रिवेंटिंग द लेजिटिमेट नेटवर्क ट्रैफिक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये होता है कि जब किसी नेटवर्क में इतना ज़्यादा फ्लडिंग कर देते हैं यूजलेस ट्रैफिक की कि वो नेटवर्क जाम हो जाता है और उसकी वजह से जो जेन्युइन ट्रैफिक है जो लेजिटिमेट काम होना है वो नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सलामी अटैक। सलामी अटैक, इसमें क्या होता है कि इट इज एन अटैक विच प्रोसीड्स विद स्मॉल इंक्रीमेंट्स एंड फाइनल एड अप टू लीड टू ए मेजर अटैक। मतलब ये जो सलामी अटैक होता है इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट से
अटैक किया जाता है, और जब फाइनली ये जब एडअप होते हैं तो एक मेजर अटैक हो जाता है। द इंक्रीमेंट्स आर सो स्मॉल दैट दे रिमेन अननोटिस्ड। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डैमेज करते रहते हैं, और जब वो इकट्ठा होता है तो फिर वो मेजर अटैक दिखता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सलामी अटैक इज गेनिंग एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड विड्रॉइंग अमाउंट इन सच ए स्मॉल अमाउंट दैट इट रिमेन्स अननोटिस्ड बाई द ओनर। तो सलामी अटैक ऐसे ही किया जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी के बैंक अकाउंट का आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपने ले लिया, किसी भी तरह से हैक कर लिया या ले लिया, और आप उससे थोड़े थोड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन करते रहे, पैसे निकालते रहे, और उस पर फिर ओनर का भी ध्यान नहीं गया। ऑफन देयर इज अ डिफॉल्ट ट्रिगर सेट इन द बैंकिंग वेबसाइट्स एंड ट्रांजेक्शन बिलो से। जनरली क्या होता है, बैंकिंग वेबसाइट में और ट्रांजेक्शन साइट्स पे एक डिफॉल्ट ट्रिगर सेट किया रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1,000 विड्रॉल आर नॉट रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द अकाउंट। जैसे 1,000 अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट नहीं होगा ओनर के अकाउंट में। ठीक है, हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो छोटे से छोटा अमाउंट का भी तुरंत इंफॉर्मेशन आती है। तो विड्राइंग अमाउंट ₹1,000 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल लीड टू टोटल विड्रॉ ऑफ ए लार्ज सम। तो अगर मान लीजिए ऐसा डिफॉल्ट ट्रिगर सेट है जिसमें 1,000 तक का जो है रिपोर्ट नहीं आ रही आपके पास, तो आदमी 1,000 और उससे कम जैसे 900-800 रुपये ऐसे से करके और कई दिनों में काफ़ी पैसे निकाल सकता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड सलामी अटैक। उसके बाद है आपका डाटा डिडलिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज डाटा डिडलिंग, DIDDLING। डाटा डिडलिंग में क्या होता है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग द डेटा बिफोर इट्स एंट्री इन टू द कंप्यूटर सिस्टम। ऑफन द ओरिजिनल डाटा इज रिटेन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑन द डाटा इज डन। फॉर एग्जाम्पल DA और द बेसिक सैलरी ऑफ द पर्सन इज चेंज इन द पेरोल डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पे कैलकुलेशन। वंस द सैलरी इज कैलकुलेटेड एंड ट्रांसफर टू हिज अकाउंट द टोटल सैलरी इज रिप्लेस्ड बाई हिज एक्चुअल सैलरी इन द रिपोर्ट। तो ये भी आपका जो है दैट इज कॉल्ड डाटा डिडलिंग। उसके बाद लास्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग, ठीक है, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ एन ईमेल सो दैट इट्स ओरिजिनल सोर्स इज नॉट आइडेंटिफाइड। ईमेल स्पूफिंग में क्या करते हैं कि इसकी जो हेडर इंफॉर्मेशन होती है उसको चेंज कर देते हैं। उसको चेंज करने से ये होता है कि ईमेल का जो ओरिजिनल सोर्स है, कहाँ से वो ईमेल इनिशिएट की गई या भेजी गई पहली बार, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। एंड इट अपियर्स टू एन इंडिविजुअल एट द रिसीविंग एंड दैट द ईमेल हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोर्स अदर देन द ओरिजिनल सोर्स। तो जो रेसिपिएंट है उसको जब ये ईमेल मिलती है तो उसको ये लगता है कि ये ईमेल उस जगह से आई है जहाँ जो जगह उसकी ओरिजिनल सोर्स है ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग। तो ये जो टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स हमने आपको बताए हैं, ऑल दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने आपको करीब अप्रोक्सीमेटली 20 तरह के साइबर क्राइम बताए हैं। तो हमें इन सारे साइबर क्राइम से अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर नेटवर्क को और इन सब से जितना ज़्यादा हो सके सिक्योर रखना चाहिए, और अपने आप को कभी इस तरह के क्राइम्स में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं, इनके टाइप्स, ये हमने आपको ब्रीफिंग भी कर दी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।